बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक सबको हंसता बसता आबाद रखे, बीमारियों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बनाने लगी हूँ, मैं बनाने लगी हूँ बटरी टी केक। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 अदद अंडे मैंने लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केक बनाते हुए। अच्छा, बेकिंग में एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपको मेजरमेंट्स जो है ना वो अगर प्रॉपर आपकी मेजरमेंट्स नहीं है तो आपकी बेकिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपने कन्फ्यूज नहीं होना, आप सोच रहे होंगे कि 1.5 कप ये जो मैदा है और ये 1 कप शुगर है, इनकी मिकदारों में फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल, जब आप इसको मेजर करेंगे तो चीनी की क्वान्टिटी और होगी और मैदे की क्वान्टिटी और होगी, ठीक है। तो आपको मैं मोटी मोटी सी जो अगर मेजरमेंट दूं तो ये 2 बड़े चम्मच मैंने मक्खन लिया है और मैंने ये 7 बड़े चम्मच जो है ना वो चीनी के लिए हैं, और जो मेजरिंग कप होता है यूजुअल उसको मैंने 1.5 लिया है मैदे को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये 1/2 कप मिल्क है। तो ये आपने बहुत समझदारी के साथ मेजरमेंट लेनी है, यहीं से रेसिपी ज़्यादा फ्लॉप होती हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बीट कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसको मैंने बीट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ये जो पाउडर्ड शुगर है, अच्छा पाउडर शुगर हम आसानी के लिए डाल दें कि इजीली जो है ना वो ये बीट हो जाए, ठीक है। वैसे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, अगर आप रेगुलर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब इसको बीट कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। देखें जी, चीनी और जो है वो मक्खन हो चुका है बहुत अच्छे से क्रीमी, और अब बारी आती है एक एक करके हमने इसमें अपने अंडे डालने हैं। सॉरी, थोड़ा सा इसमें शेल चला गया, लेट मी टेक आउट। एक एक करके आप अंडे डालते जाएं और उनको इसमें बीट करते जाएं। तो अभी मैंने इसके अंदर दूसरा अंडा डाल दिए, इसको भी साथ में बीट कर लेते हैं। ये देखेंगे, अभी इसमें मैंने तीसरा अंडा भी डाल दिया है। एक एक करके आपने अंडों को डालना है और उसके बाद आपने इसे बीट कर लेना है। देखें, बस हो गया। इसमें आपने 1 टीस्पून जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है और उसके बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसी स्टेज पे आप इसमें ये जो 1/2 कप मिल्क है वो भी आप इसमें डाल दें और उसको भी आप इसके अंदर मिक्स कर लें। और अब जो हमारे पास ये फ्लोर है इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है वो लेना है बेकिंग पाउडर और उसको हमने स्ट्रेन करके इसके अंदर डालना है जी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो अभी स्ट्रेन कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का, आप इसी फ्लोर के अंदर, और इसको आप हाथों की मदद से गुठलियों को असेंबल कर लें ताकि जितना मैक्सिमम आप इसमें से स्ट्रेन कर सकते हैं कर लें। देखें, अल्लाह अकबर, ये देखें जी इस तरह से, बस अब ये हो गए, इतना ही ये इसमें से निकलेगा, ठीक है। और अब आप इसको जो है आटे के अंदर मिक्स कर लें अच्छे तरीके से बिफोर यू मिक्स इट इन दैट बैटर। अब आप इस आटे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसके बाद आप इस बैटर के अंदर इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आप एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करें। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप उसी डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, ताकि ये अच्छे से स्मूथली जो है वो मिक्स हो जाए। तो देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको इसी हैंड विस्क की मदद से किया है मिक्स, और अब अगर फाइनली मैं इसको मज़ीद स्मूथ करना चाह रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा हैंड मिक्सर की मदद से कर लूँगी मिक्स। दैट्स इट, दैट्स इट।
हो गया। एज यूजुअल मेरे पास कोई बटर पेपर नहीं है, मैंने इसको देखने चारों तरफ से जो है वो मक्खन के साथ कर लिया है पॉलिश। ठीक है, ब्रश लेके या हाथों की मदद से कर ले, नॉट अ बिग डील। और अब आप इसको इक्वल तरीके से इस बैटर को जो है वो अच्छे तरीके से इसमें फैला दें। कंसिस्टेंसी आपके सामने है। अच्छा, बटरी टी केक का मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें इतना बटर डाल देना है, कुछ लोग इक्वल अमाउंट्स भी देते हैं चीनी बटर और मैदे की। ठीक है, तो लेकिन आप अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए चलें, आप इंजॉय भी करें टेस्ट को और साथ में आप थोड़ा सा हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर भी अमल कर लें। तो अब मैं बाकी का जो है वो चलिए, अब इसको मैंने इसमें सेट कर लिया। आप इसको दो तीन दफ़ा और मज़ीद इस तरह से कर सकते हैं ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं, या तो आप टॉसर की मदद से भी इसको लेवल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रॉस्टर है तो। बहुत हद तक जो है वो इसमें से एयर बबल्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसको स्मूथ करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, हीटेड ओवन था पहले से, अब मैं इसको 180 सेंटीग्रेड पे, यस आई थिंक सेंटीग्रेड पे बेक करूँगी 40 to 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, बेकिंग में आपने अगर ये टाइम ले रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मोल्ड के हिसाब से कुछ बेकिंग टाइम जो है वो डिफर करता है। ये देखिए, मैं आपके सामने चेक करने लगी हूँ, बेक तो लग रहा है, हो गया है। ये देखें, बिल्कुल अभी साफ आ रही है बाहर। इसकी भी और चेक कर लेते हैं, आई थिंक इट्स परफेक्टली बेक्ड। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से विदाउट बटर पेपर जो है ये केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। और मैंने इसको प्री हीटेड, जो ओवन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्लाइसिस में काट के आपको दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा आया है। इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और अब इसको स्लाइसिस में काट लेते हैं। कोई भी बड़ा नाइफ ले लें, आपके पास कटर है तो कटर ले लें। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्टली बेक्ड, बिल्कुल बाजार जैसा आपका केक घर में रेडी है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा सा इसके अंदर से भी टेक्सचर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।